नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैफ लिमिटेड यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्मिंग इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी का मेसी ब्रांड के ट्रैक्टर का आप डीलरशिप लेके खुद का शोरूम और सर्विस सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी आपको दिया है, जैसे कि आपको इसका डीलरशिप लेने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको कितने साल में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको टैफ लिमिटेड जो कंपनी है आपको पर ट्रैक्टर पे कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड करती है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपको मेसी फर्गसन ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप लेके खुद का शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना है तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको उस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल जानकारी होना चाहिए, तभी आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस के रिगार्डिंग, फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टैफ लिमिटेड जो कंपनी है यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्मिंग इक्विपमेंट लिमिटेड जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है, और इस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, और इस कंपनी के अंदर जो है कितने ब्रांड के ट्रैक्टर जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगी, टैफ लिमिटेड यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्मिंग इक्विपमेंट लिमिटेड जो कंपनी है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के अंदर जो है बहुत सारे ब्रांड के ट्रैक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, जैसे कि आयशर ट्रैक्टर हुआ, मेसी फर्गसन ट्रैक्टर हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे ट्रैक्टर हैं जो टैफ लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। मेनली ये जो कंपनी है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं ये सारे जो इक्विपमेंट को ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर हम लोग इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो 1960 में हुआ था, और इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इस कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है कितनी पुरानी है, और ये जो कंपनी है समय के अनुसार जो है ये कंसिस्टेंटली जो है ये ग्रो कर रही है। और इस कंपनी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा इनके डीलरशिप है, और ये जो कंपनी है अपने बिजनेस नेटवर्क को और भी बढ़ाना चाहती है यानी कि और भी एक्सपेंड करना चाहती है, इसलिए ये कंपनी जो है और भी डीलरशिप अपना जो है सर्च कर रही है। तो आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ट्रैक्टर का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ टैफ लिमिटेड यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्मिंग इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी का जो है आप मेसी ब्रांड के ट्रैक्टर का आप डीलरशिप लेके जो है खुद का शोरूम और उसका सर्विस सेंटर जो है आप ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मिनट का एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके थ्रू जो है आपको पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा मेसी फर्गसन ब्रांड का जो ट्रैक्टर है वो कैसा ट्रैक्टर है। दस टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है चार तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। और कुछ महेंद्र? नहीं, मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको मेसी फर्गसन ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप लेना है तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप मेसी फर्गसन ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप लेके खुद का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पहला रिक्वायरमेंट है, आपको शोरूम के लिए 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का आपके पास में कमर्शियल लैंड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको सर्विस सेंटर ओपन करने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी कि टोटल जो एरिया है आपको 2500
स्क्वायर फीट एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपके पास में 2500 स्क्वायर फीट लैंड रहेगा तभी आप जो है इस कंपनी का डीलरशिप ले सकेंगे। अगर आपके पास में 2000 स्क्वायर फीट भी अगर आपके पास में कमर्शियल लैंड है तो आप उस पर भी जो है आप मेसी फर्गसन ब्रांड के डीलरशिप लेके जो है आप उसका शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन कर सकेंगे। उसके बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है, आपके पास में 50-60 लाख तक जो है इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट मेसी ब्रांड ट्रैक्टर का डीलरशिप लेना चाहता है उसका एज जो है 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं तो आप मेसी फर्गसन ब्रांड ट्रैक्टर का आप डीलरशिप लेके खुद का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस कंपनी का अगर डीलरशिप लेके खुद का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करते हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, पहले तो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट लगेगा जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुआ और आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपको लैंड का पेपर आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आप जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेस किया होगा या लीज पे लिया होगा जहाँ पे आप शोरूम या सर्विस सेंटर आप सेटअप करना चाहते हैं, आपको उस जमीन का कॉपी जो है आपको कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद कंपनी और आपके बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन होगा। उसके बाद जो है आपको एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन का जो है आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका जिस बैंक में करेंट अकाउंट होगा आपको उस बैंक अकाउंट का जो है आपको एक कैंसिल चेक का यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद जो है आपको मेन पावर का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। और अगर हम लोग यहाँ पे लाइसेंस की बात करें तो यहाँ जो पहला लाइसेंस है आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो है यहाँ पे आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एमएसएमई का लाइसेंस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी जो है आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ये चार लाइसेंस रहेंगे तब आप जो है मेसी फर्गसन ब्रांड के ट्रैक्टर का आप शोरूम और उसका सर्विस सेंटर जो है आप ओपन कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप मेसी ब्रांड के ट्रैक्टर का अगर डीलरशिप लेके खुद का शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पहला इन्वेस्टमेंट है आपको 1 लाख रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी आपको कंपनी में डिपॉजिट करना पड़ेगा और आप जो भी डिपॉजिट कंपनी में सबमिट करेंगे उस पर 6.5% का पर एनम आपको इंटरेस्ट आपको कंपनी देगी। और उसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है आपको कंपनी से इनिशियली 4 नंबर ऑफ ट्रैक्टर जो है आपको लेना पड़ेगा, तो उसका जो बिलिंग जनरेट होगा तो उसके लिए जो है आपको 21 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड इन्वेस्टमेंट है आपको यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स में 2 लाख रुपया करना पड़ेगा, यानी जो भी आप सर्विस सेंटर ओपन करेंगे तो उस सर्विस सेंटर में आपको स्पेयर पार्ट्स आपको ट्रैक्टर के रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इनिशियली जो है कंपनी आपको 2 लाख रुपये का स्पेयर पार्ट्स आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपका जो चौथा इन्वेस्टमेंट है, जब आपका शोरूम या सर्विस सेंटर जब आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो है कंपनी आपको 90 दिन का आपको समय देती है। आपको 90 डेज के अंदर जो है कंपनी में 20 लाख रुपीस का आपको बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है आपका जो भी कमर्शियल लैंड होगा उस पर शोरूम और सर्विस सेंटर जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके लिए जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे 10-15 लाख रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ तो ये अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे 10% जो है ये फ्लेक्सिबल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको 50-60 लाख रुपए जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप मेसी फर्गसन ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप लेके खुद का शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर आप मेसी ब्रांड के ट्रैक्टर का शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन टैफ लिमिटेड कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको मेसी ब्रांड ट्रैक्टर के शोरूम से और सर्विस सेंटर से आपको पर मंथ का कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे जो टैफ लिमिटेड कंपनी है आपको पर ट्रैक्टर पे जो है आपको 20% का आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर ट्रैक्टर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ मेसी टैफ 35 HP ट्रैक्टर का जो प्राइस है वो 5,25,000 रुपया है और यहाँ पे 40 HP का जो ट्रैक्टर का प्राइस है वो 5,84,000 रुपया है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक नोट में लिखा हुआ है कि मेसी ट्रैक्टर के और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे कि 35 HP से लेके 58 HP तक जो है यहाँ पे मेसी ट्रैक्टर के मॉडल यहाँ पे आते हैं जो कि AC और नॉन AC दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप मेसी ट्रैक्टर का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करते हैं तो आपको पर मंथ आपके शोरूम से और सर्विस सेंटर से कितना प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहले मैंने यहाँ पे आपके शोरूम का अर्निंग दिखाया है कि अगर आप अपने शोरूम से अगर महीने का 5 नंबर ऑफ ट्रैक्टर अगर आप सेल करते हैं 35 HP का, तो इसके हिसाब से जो भी आपका पर मंथ का जो रेवेन्यू है तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 26,25,000 रुपये यहाँ पे आपका पर मंथ का आपका सेल्स रेवेन्यू है।
देन उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करने के लिए जितना भी आपका मंथली रेवेन्यू है उसको मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जितना भी आपको पर ट्रैक्टर पे आपको दिया जा रहा है उससे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ आपके शोरूम से आने वाला है वो 5,25,000 रुपया यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके सर्विस सेंटर से आपको पर मंथ कितना ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप अपने सर्विस सेंटर में अगर ट्रैक्टर का जो स्पेयर पार्ट्स है अगर आप महीने का 5,00,000 का अगर आप कंज्यूम कर देते हैं तो यहाँ पे भी जो है आपको कंपनी 18-20% आपको MRP पे आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड करती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको पर मंथ का 1,00,000 रुपया आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपके शोरूम और सर्विस सेंटर का यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। आपका जो पर मंथ का टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपके शोरूम का और आपके सर्विस सेंटर का यहाँ पे 6,25,000 रुपया यहाँ पे आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा हूँ ये आपका मिनिमम प्रॉफिट है और ये जो भी प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से आपको अपना एक्सपेंडिचर आपको माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि आप जो भी मैन पावर हायर करेंगे उसका सैलरी प्लस जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा और उसका जो भी आप टैक्स का कंप्लाइंसेस करेंगे ये सारी चीज़ जो है आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। देन जाके जो है आपको नेट प्रॉफिट आपको पता चलेगा कि आप कितना पर मंथ नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अपने शोरूम और सर्विस सेंटर से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंपनी यहाँ पे आपको और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप शोरूम ओपन करते हैं तो जो भी कस्टमर आपके शोरूम में ट्रैक्टर परचेस करने के लिए आएगा अगर वो फाइनेंस करवाएगा तो फाइनेंसर वाला जो है आपको 5% का कमीशन प्रोवाइड करता है। ये आपका जो है एक प्लस इनकम हुआ। देन उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको मंथली सेल टारगेट भी दिया जाता है। अगर आप उस सेल टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप अपने सर्विस सेंटर से कंपनी में 2,00,000 से ज़्यादा का अगर आप स्पेयर पार्ट्स का अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं पर मंथ तो कंपनी यहाँ पे भी जो है आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा कि आपको जो टैफ लिमिटेड कंपनी है आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप अपने ट्रैक्टर का मंथली सेल्स आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जो है आपका इंक्रीज करेगा। मैंने आपको जो भी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिखाया है ये आपका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है। आप इस प्रॉफिट मार्जिन को और भी इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो है आपको यहाँ पे मंथली ऑफर भी बहुत सारे लाए जाते हैं जिस ऑफर में आप पार्टिसिपेट लेके जो है आप और भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेसी फर्गसन ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप लेके खुद का शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना है तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। आपको इस पेज पे आ जाना है। मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपको नाम फिल करना है और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऐड रिकमेंड है तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर द डीलरशिप ऑफ मेसी फर्गसन ट्रैक्टर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे आपको यहाँ टिक आउट करना है इस बॉक्स पे। उसके बाद जो है आप सेंड मैसेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन होगा कंपनी के डाटाबेस में सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है कंपनी आपको विद इन ए वीक जो है आपको कॉन्टैक्ट करेगी और उसके बाद भी जो है आप यहाँ पे देख रहे टोल फ्री नंबर दिया गया है। आप इस टोल फ्री नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके भी जो है आप डीलरशिप की जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को झारखंड या बिहार के लिए मेसी ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप लेके उसका शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना है तो फ्रेंड्स आप लोग जो है डायरेक्टली हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है आपको टैफ लिमिटेड कंपनी का मेसी फर्गसन ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप दिलाने में आप लोगों को पूरी तरह से मदद करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां पे पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको मेसी ब्रांड के ट्रैक्टर का डीलरशिप लेके खुद का शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं पता है कि वो मेसी फर्गसन ब्रांड के डीलरशिप लेके खुद का शोरूम और सर्विस सेंटर कैसे ओपन कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।